हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के बना रहा हूँ। और एक हमारे व्यूअर हैं जिनको प्रॉब्लम है, इन्होंने मुझे व्हाट्सअप भी किया था। और जब ये यूनिट जब एंट्री पास कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, थोड़ा सा इन्होंने मुझे समझाया भी है, व्हाट्सएप में वीडियो भी भेजा है। तो यूनिट पर ना जाकर के सीधा अमाउंट पे चला जा रहा है इनका कर्सर। इसका मतलब है कि यूनिट नहीं बनाई गई है। अब ये कह रहे हैं कि हमने यूनिट बनाया है। देखिए, यूनिट अगर आप बनाए होते और उसका, देखिए यूनिट बनाना और उसका यूज करना दो बातें होती है, ठीक है। अगर आपने बनाया और यूज नहीं किया तो वो एक बात हो गई, और अगर बनाया और यूज किया तो वो दूसरी बात हो गई। तो यूज भी करना पड़ता है बनाने के बाद, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप इन्वेंट्री पे जाते हैं तो यहां पर आपको यूनिट मेजर्स भी नजर आते हैं, और स्टॉक आइटम भी नजर आता है, स्टॉक ग्रुप भी नजर आता है, बाकी गोडाउन भी है। तो कुछ गोडाउन मैंने पहले से बना रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए इनका पिक्चर ट्यूब था शायद, तो मैं वही ले लेता हूँ, PICTURE पिक्चर, और यहाँ कर दिया ट्यूब, ये हो गया पिक्चर ट्यूब। अब एंटर करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने यूनिट नहीं शायद बनाया होगा, यही पे गलती हुई होगी, और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया होगा, ठीक है। अब बाहर आए होंगे और यहाँ पर यूनिट बनाया होगा, यूनिट, ठीक है। और यूनिट बनाते समय यहाँ पर मान लीजिए NOS रख लिया, नंबर्स के लिए हम सिंबल NOS रख सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं नंबर्स, तो ये कर दिया होगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया होगा। तो ये तो दूसरी बात हो गई, ठीक है। आपने यूनिट बना लिया, यूनिट बन तो गया, लेकिन उसका यूज कहाँ किया, यूज तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप एंट्री पास करने जाएंगे परचेज में, जैसे यहाँ पे परचेज वाउचर में अपना प्रेस करके चलता हूं, और सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, यहाँ पर 1 अप्रैल को ही परचेजिंग हो रही है, और ये कैश में परचेजिंग कर रहे हैं। मान लीजिए एंटर करते हैं, यहाँ पर आएंगे तो परचेज का लेजर आएगा, तो यहाँ ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर बना लेंगे, तो ये हो गया परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे और उसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, और ये हो गया एंटर किया इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो पिक्चर ट्यूब हमने बनाया है, और जैसे पिक्चर ट्यूब बनाया तो यहाँ पर गोडाउन की बात आती है। तो जैसे मान लीजिए हम न्यू कॉलोनी गोडाउन में रखना चाहते हैं, सीधा अमाउंट में आ जाएगा। अब ये इसीलिए हुआ कि आपने यूनिट तो बनाया लेकिन उस यूनिट का यूज ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। तो आपको अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो कैसे इसे सॉल्व करना है समझिए। अब जब हमें थोड़ा सा बाहर आना होगा पूरा, यानी गेटवे ऑफ टैली पर, टैली की मेन मेन्यू है ये। अब यहां पर आकर के आपको क्या करना होगा, इन्वेंटरी को अल्टर करना होगा। तो ये यहां पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और स्टॉक आइटम को अल्टर कर लेंगे। ये हमारा स्टॉक आइटम था, यहां पर आए। अब यहां पर आप NOS लगा दीजिए, और जैसे ही लगाएंगे ना तो काम आपका आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब आप एंट्री पास कीजिए, एंट्री जरूर पास हो जाएगी। तो देखिए यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, और इनवॉइस नंबर आने के बाद आपको यहां पर डेट रखना है, और यहां पे कैश आपने किया था, जिन्होंने मुझे वीडियो वो भेजी है, यहाँ पे कैश रखा, परचेज अकाउंट रखा। अब यहाँ पे पिक्चर ट्यूब का लगाइए, तो यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, तो मान लीजिए न्यू कॉलोनी गोडाउन में रखना है, तो यहाँ क्वांटिटी में आपका कर्सर आ जाएगा। मान लीजिए 45 क्वांटिटी है और एक की खरीद रेट है 1300 रुपए, तो ये डाल दिया हमने, और इस तरीके से आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और आई होप कि इससे काम भी चल जाएगा आपका। आप देखिए सब कुछ हो गया, तो ये वीडियो देख लीजिए, इससे काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।